नशो कोई पण होय ते सारो नथी, नशो दारूनो होय के हेरोइननो, नशामां माणस धूत थई जाय छे, पछी गमे ते करवा तैयार थई जाय छे। आ घटना पण कंईक आवी छे। भावनगरमां एक नानी उमरना एसीपी ने खाकीनो नशो सवार थई गयो, पछी साहेबे जे तोफान कर्या छे तेनी छे आ कहानी। खाकी नो नशो, न बॉटल, न दारू, न कोकीन, न हेरोइन। खाकी नो नशो अलग छे। एक वक्त मानस ने खाकी नो नशो चढ़ी जाए पची कोई ने गांठतो नथी। सामान्य मानस होय के अधिकारी गमे तेने ठोकी दे। टीवी स्क्रीन पर जोवा मळता आ साहेब ने खाकी नो नशो चढ़ियो, एवो नशो के कोई ने गांठता ज नथी। छेल्ला 15 दिवस थी पूरा पोलिस बेड़ा मां साहेब नी लोको छानी मानी टीका करी रह्या छे। पोलिस बेड़ा मां पण निंदा थई रही छे। कोई मोढे कहतु नथी, कारण के साहेब नानी उम्र मां मोटा अधिकारी बनी गया छे। आ माटे एक एक इशारा मां बधु चाली रह्यु छे। शुं कर्युं मोटा साहेबे? ऊंडी तपास करता आळस थई। आ साहेब ने आखू भावनगर जाणे छे। पहला जामनगर मां हता, हवे भावनगर ना पनारे पड्या छे। थोड़ा दिवस पहला एएसपी सफीन हसन ने तपासनुं भूत सवार थयुं। तेणे बातमी कोणे आपी होय ते अल्लाह जाणे। पटेल वीडियो गेम पार्लर नामनी दुकान मां जुगार रमाई रह्यो छे तेवी बातमी मळी हती। साहेब तो डंडो लईने निकली पड्या। बातमीना आधारे बप्पोना समय दरोड़ा पाड्या। आखी दुकान तपास करी जोई, परंतु कशु हाथ लाग्यु नहीं। पछी शुं तेनी छे आ कहानी। निर्दोष वेपारी ने मार मार्यो, गुनेगार जेवी धोलाई करी। भावनगरना एएसपी सफीन हसन वीडियो गेम पार्लरना मालिक ने मार मारता होवाना सीसीटीवी वायरल थया छे। तमे जोई शको छो, सफीन हसन मार मारी रहा छे। जे वेपारी ने मार मारी रहा छे ते निर्दोष छे। तेनी दुकान मां कोई जुगार रमातो नहोतो, परंतु साहेब ने लागी आव्यु। तेणे तपास करी अने कई न निकळ्यु एटले वेपारी ने मार मारी रह्या छे। दरोड़ा दरमियान कशु वांधाजनक मळी आव्यु न हतु। आम छत्ता पण साहेब ने खाकी नो नशो सवार थई गयो अने पछी तो धोलाई चालू करी दीधी। टीवी स्क्रीन पर जोवा मळतो आ वेपारी ने हाथ अने पग पर मारना निशान पड़ी गया छे। बेल्ट वड़े मार मारी दुकान बंद करावी दीधी। एएसपी सफीन हसने वीडियो गेम्स पार्लर में हाजर यज्ञेश भाई मकवाणा ने ढोर मार मारता इजाग्रस्त यज्ञेश भाई ने सारवार माटे सरटी हॉस्पिटल में खसेड़वामां आव्या हता। यज्ञेश मकवाणाए जणाव्यु के छेल्ला 15 वर्षथी मनोरंजन की दुकान चलावु छू। एएसपी सफीन हसन बपोरना समय तपास में आव्या हता अने ढीकापाटू अने थपाटो मारी बेल्ट वड़े मार मारी दुकान बंद करी दीधी हती। एएसपी नी दादागिरी नी बीजी घटना, निर्दोष युवकों ने मार मार्यो। थोड़ा दिवस पहला एएसपी नी दादागिरी नी बीजी घटना सामे आवी हती। कलम 135 मुजब एक गुनो नोंधायो हतो। आ गुना मां पीएसआई मकवाणा अने एएसपी सफीन हसन द्वारा मार मारवामां आव्यो हतो। जे त्रण युवक ने मार मार्यो हतो तेनुं एफआईआर मां कोई नाम नथी। आम छतां पण तेने मार मारी अने परिवार सामे गाळो भांडी होवाना आक्षेप कर्या। टीवी स्क्रीन पर जोवा मळता तमाम युवको मारना निशान बतावी रह्या छे। गृहमंत्री सुधी रजूआत, जे युवानोने मार मार्यो छे ते युवानोए आईजी थी लईने गृहमंत्री सुधी रजूआत करी छे। खाकीना नशामां फरता सफीन हसन सामे पण कायदेसरनी कार्यवाही थवी ज जोईए तेवी मांग करी छे। परंतु घोर बेदरकारी ए छे के एसपी कक्ષાના અધિકારી સામે કોણ પગલા લે, કેમ કે પાણીમાં રહેવું અને મગર સાથે કોણ દુશ્મની કરે? આ માટે યુવાનોની એક વાત કોઈ માનવા તૈયાર નથી। એએસપી સાહેબને સિંગમ થવું છે તો મફતની સલાહ, એએસપી સાહેબને સિંગમ થવું હોય તો મફતની સલાહ છે। ભાવનગરમાં બીજા અનેક ખૂનના કેસ પેન્ડિંગ છે, તેનો ઉકેલ હજી સુધી નથી આવ્યો। આરોપી ઝડપાયા નથી। ભાવનગરમાં હત્યા, મારામારી અને જુગારની ઘટના બંધ નથી થતી। આવી ઘટના પર કાબૂ મેળવવાની જરૂર છે। વેપારી કે નિર્દોષ યુવકો પર માર મારીને કશું મળવાનું નથી। ભાવનગરમાં અનેક વિસ્તારમાં બુટલેગરો બિંદાસ રીતે દારૂનું વેચાણ કરે છે, કોઈને ગાંઠતા નથી। આવા વિસ્તારમાં એસપી સાહેબે એક આંટો મારવાની જરૂર છે। બુટલેગરોને ચાપખા પાડી દેવાની જરૂર છે। નિર્દોષ પ્રજાને માર મારવાથી કશું મળવાનું નથી સાહેબ। બીજી એક વાત એ પણ છે, હાથી ગમે તેટલો મજબૂત અને માથા ભારે ભલે હોય, પરંતુ તેના કાનમાં એક કીડી ઘૂસી જાય તો તે ગાંડો થઈ જાય છે। આ વાત પણ આ એએસપી સાહેબે સમજવા જેવી છે। નીતિન સોની, વીટીવી ન્યૂઝ, ભાવનગર।